बस काजल बस, अब घबरा मत। देख हमने शादी की है, हमारे माता पिता हमें अपना लेंगे। वो अपनाएंगे ना? हाँ काजल, इसके अलावा उनके पास दूसरा चारा नहीं है। चल घर चलते हैं, चलो। ए, कहाँ चले? उस लड़की को घर से भगा के लाया? पुलिस कंप्लेंट है तेरे खिलाफ। ए लड़की, तेरे माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई है। देखिए क्या बात कर रहे हैं आप। अबे लड़की को भगाएगा तो कंप्लेंट नहीं होगी क्या तेरी? पुलिस वालों से सवाल लड़ा था कैसा करो से? देखिए आप मेरे से बात कीजिए। सुनिए आप लड़की को छोड़िए। सुनिए अबे सुन, उम्र क्या तेरी? 21 साल है। तेरी 18 छोड़े ले तुम्हें से। अरे छोड़, अरे चल, अरे लड़की को छोड़। अरे चल ना। अपने घर का नंबर बता। वहाँ तेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। देखिए प्लीज भाई साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इसके घर फोन मत कीजिए प्लीज। एक मिनट एक मिनट यार, ये भी तो सकता है कि घर वाले नाजिल हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसका मतलब घर से भागोगे? हाँ बहुत बातें होंगी। चलो थाने चलो प्लीज। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, जैसा जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। क्यों पीछे पड़े हो तुम दोनों इनके? अरे बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें इनसे है। तुम दोनों दूसरा ऑटो पकड़ के आओ, मैं इनके साथ चलता हूँ। ओके दूसरा ऑटो में ना, मैं दोनों के साथ जाऊंगा, पुलिस वालों से बात करना। इंस्पेक्टर साहब से बात करना आपने। चलो जल्दी कर ना। जैसा मैं बोलूँ वैसा करते आना, ठीक है? घबराने की बात नहीं है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, बच्चे हो क्या? आप संभाल लेंगे। थाने जो यार, देखो उनको बहुत परेशान कर लिया, छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दें, हमारी ड्यूटी है भाई। ए बाहर निकलो, चलो निकलो बाहर। अरे बाहर आ गया। सुनिए सुनिए भाई, देखिए सुनिए, अंदर आ। देखो यार ये लोग तुम्हें क्या मुजरिम दिखते हैं क्या? देखो मैं अंदर जाकर इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, विश्वास करता हूँ शायद कोई रास्ता निकला है। चलो बताता हूँ। नहीं आओ चल। ये बताओ लेने देने के लिए क्या है तुम्हारा? मैं कुछ 8-10 हज़ार रुपये होंगे ना? हमारे पास तुम्हें 100 रुपये 100 रुपये। देखो देखो इसे अपने पास रखो, हो सकता है शायद तुम्हारी मुसीबत में काम आए। मैं जाके इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, शायद तुम लोगों की किस्मत अच्छी हो। घबराना मत, मैं हूँ साथ में, ठीक है? प्लीज देखिए आराम से प्लीज संभाल लीजिएगा।